हेलो फ्रेंड्स, आज शांति कुंज का तीसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको माँ भगवती जी के रसोइया, एक तरह से उनका किचन जो है भव्य किचन, उसको दिखाऊंगी। ये हम लोग रूम में हैं, या आप जहाँ तक देख पा रहे हैं सब शांति कुंज था। अब हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आपको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम लोग भोजनालय आ गए हैं। यहाँ पर डेली हजारों लोग आते हैं जो खाना खाते हैं, यहाँ रुकते हैं। यहाँ पर रुकने खाने का कोई भी चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस शांति कुंज में एंट्री लेने के लिए आपको आधार कार्ड अपना दिखाना पड़ता है, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि भरना पड़ता है अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो। और सिर्फ घूमने आ रहे हैं तो आधार कार्ड दिखा कर आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ सुबह और शाम 2 बार खाना लगता है। ये मेरे हस्बैंड और भाभी मेरी खाना खिला रहे हैं सब लोगों को। हम लोग खाना खा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी ये सेवा कर सकता है और आनंद ले सकता है। अब हम लोग किचन के अंदर आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर खाना पक रहा है। ये बड़े बड़े से भगोने हैं, इनमें सब में खाना पक रहा है। चलिए अंदर आपको और हम दिखाते हैं। ये आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा किचन है। यहाँ पर रोटी भी आप लोग आके बिलवा सकते हैं। हम लोग तीनों लोग आए थे बेलने। ये यहाँ पर हम लोग खड़े होकर रोटी बेल रहे हैं, और ये भैया लोग यहाँ पर पका रहे हैं। इसमें यहाँ दो तरह से रोटी बनती है, एक तो ये लोग ऐसे आग में सेक के पका रहे हैं, हम लोग बेल रहे हैं, और एक इधर साइड में ही मशीन में रोटी बना रहे हैं। तब जाके कहीं रोटियां पूरी पड़ती हैं, अगर सिंगल एक लोग बनाए तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक साथ ये लोग कितनी सारी रोटी बना रहे हैं, तब जाके पूरा पड़ता है। और बहुत भीड़ होती है यहाँ नॉर्मल टाइम में भी। ये भैया लोग यहाँ पर लोई काट रहे हैं, सब लोग हम लोग को भी दे रहे हैं, उधर वो भैया जो मशीन से बना रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। यहाँ का भोजन बहुत ही शुद्ध और एकदम सिंपल सा होता है, बिना मिर्च मसाला का, लेकिन टेस्टी होता है। आप लोग जब भी कभी शांति कुंज आएँ या हरिद्वार आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये देखिए, इतने बड़े बड़े से ब्रह्मो खाना चढ़ा है। ये देखिए, यहाँ मैक्सिमम दाल चावल सब्जी रोटी, और कभी कभी ये मट्ठा होता है पीने के लिए, ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक साथ इतनी सारी रोटी पका रहे हैं। ये भैया मशीन में बना रहे हैं। ये यहाँ पे लोई ऐसे रखते हैं, वो आगे बढ़ के जाती है और फिर रोटी बन जाती है। और उधर साइड से रोटियाँ पक पक के उधर एक भगोना रखा गया है, उसमें जाके गिरती जाती हैं। देखिए, जब दो तरीके से रोटी बनती है तब जाके पूरी पड़ती है, एक मशीन में बनाते हैं और उधर वो भैया लोग एक साथ देखिए कितनी सारी रोटियां सेक रहे हैं। बाकी के दो पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप शांति कुंज का पूरा डिटेल, पूरा सब कुछ देख सकते हैं उसमें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि